फिर जे सभी को बोलता है वो जंगल की ओर भाग रहा है, फायर कर उस पर। फिर वो लोग लिन पर हमला करने लग जाते हैं और कुछ गोली लिन के पेट में और पाँव में लग जाते हैं। इसी दौरान फिर जे ऑर्डर करता है हेलीकॉप्टर शूट कर उस पर। हेलीकॉप्टर लिन पर बॉम्ब की बरसात कर देते हैं। फिर जे बोलता है अगर वो अब भी बच गया तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उसका दिन आज बहुत ही अच्छा है। गोंगयू जल्दी से लैन का हाथ बांध देता है और बोलता है जल्दी से इसका इलाज करवाओ। फिर गोंगयू जंगल की ओर देखता है और अपने मन में बोलता है सर जंगल को पूरी तरह से जला दिया गया था, लिन फिर भी बच गया था। और फिर चलते चलते अपने मन में बोलता है मैं मरने ही वाला था, अच्छा हुआ कि मैं आयरन क्लोथ को इस्तेमाल किया था डिफेंस के लिए, लेकिन फिर भी मुझे गोली लग गया। अच्छा हुआ कि मेरा लक आज बहुत ही अच्छा, राइफल का गोली अगर बॉडी में लग जाए तो 1 सेंटीमीटर अंदर तक जाता है, लेकिन मशीन गन पूरी तरह से छेद कर देता बॉडी में। ऐसा लगता है कि आयरन क्लोथ स्टील से भी ज़्यादा ताकतवर है। मैं मर ही जाता अगर मेरा दिन अच्छा नहीं होता तो, आज मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर होना होगा अगर मुझे मॉडर्न वेपन से लड़ना होगा तो। उसी समय वहाँ पर जवान भी आ जाता है और लिन को बोलता है तुम कितना भयानक दिख रहे हो। लिन उसे देख कर बोलता है ओ ये तुम हो। वी बोलता है मैं सोच ही रहा था कि मेरा समय कब आएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी आ जाएगा। मैं जवान वी जवान फैमिली से है, मैं अपने फैमिली का बदला तुमसे लूंगा। और जवान भी लिन पर हमला कर देता है। फिर कुछ देर के बाद लिन हार जाता है और वो ज़मीन में गिर जाता है। जवान भी बोलता है ये तो बहुत ही आसान था, तुम बहुत ही कमज़ोर हो और तुम मुझ पर हमला नहीं कर पाओगे अभी। मुझे घिनौना मत बोलो, अपने आप को जिम्मेदार दो, तुमने क्यों टैंक के साथ पंगा लिया। जैसे भी लिन पर हमला करने जाता है उसी समय पीछे से एक गाड़ी आ जाता है और उसे लू चला रही होती है। फिर लिन उसका पाँव पकड़ लेता है। वी उसे बोलता है इसका क्या मतलब है, तुम करना क्या चाहते हो। लिन चिल्लाते हुए बोलता है फुल स्पीड, और फिर लू फुल स्पीड से गाड़ी चला देती है और उस वी को गाड़ी से ठोक देती है। लिन चिल्लाकर बोलता है मिस लू। फिर लू गाड़ी के नीचे आकर बोलती है लिन क्या तुम ठीक हो ना। लिन बोलता है मैं मरा नहीं हूँ, अभी तक ठीक ही हूँ, तुम्हें तो कहीं चोट नहीं ना लगी है। लू बोलती है मैं ठीक हूँ, ये थोड़ा सा प्रभाव है मुझ पर। लिन बोलता है तुम ऐसे ड्राइव करोगी तो तुम्हें कुछ हो सकता है। लू हंसते हुए बोलती है तुम्हें भी। फिर लिन पूछता है क्या वो मर गया। लू बोलती है हाँ मुझे तो वही लग रहा है, वो जिंदा नहीं रह सकता है, मैं उसके ऊपर बहुत स्पीड से गाड़ी चलाई थी। उसी समय वहाँ पर लू आ जाती है और बोलती है अब मेरी बारी है। लिन लू को बोलता है संभल के लू, ये लड़की बहुत ही खतरा है। लू बोलती है ये बहुत ही खराब बात है, मैं तुम्हें बचा रही हूँ। लिन बोलता है कुछ भी, तुम किस तरह से मुझे बचाई हो, तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगी तो मैं बहुत ही आसान मन रहूंगा तुम्हारा, तुम चाहती क्या हो मुझसे। लियू बोलती है मैं बहुत ही दुखी हो गई हूँ, मैंने सारे स्नाइपर को ख़त्म कर दिया तुम्हारे लिए और मैं तुम्हारा पीछा करती रही, मेरा पाँव सुन्न हो गया, लेकिन तुम मुझे शुक्रिया भी नहीं बोल रहे हो। लिन बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं विश्वास कर लूँगा ये तुम्हारे स्टोरी पर। लू बोलती है इसी ने मुझे बताया था कि तुम कहाँ पर हो। लिन शॉक्ड होकर बोलता है क्या। लियू बोलती है मैं सोच रही थी कि तुम मारे जाओगे जब तुम जॉन वी से मिलोगे, मैं तुम्हें भागने में बहुत ही मदद की हूँ, मुझे नहीं लगा था कि लू वी को ट्रक से उड़ा देगी, आज तुम्हारा मरने का दिन था लेकिन तुम बच गए हो। लिन अपने मन में बोलता है ये लड़की मुझे बचाई है क्योंकि वो टेंटन मास्टर ही चाहती है। लू बोलती है तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें किस लिए बचाई हूँ, तो मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे एक अच्छा इनाम दोगे, अगर मुझे उस इनाम से मजा नहीं आया तो। उसी समय लिन वहाँ पर गिर जाता है। लू घबराती हुए बोलती है इसे क्या हो गया, ये तो अभी खड़ा था ना। लू बोलती है मेरी मदद करो इसे उठाने में, हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते हैं। फिर लू लिन को लेकर सबरबंद में चली जाती है। लू लियू को बोलती है क्या तुम एकदम श्योर हो तुम उसे बचा लोगी, उसे गोलियाँ लगी है और उसे सर्जरी की ज़रूरत है। लियू बोलती है चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उसे उठा लूँगी, तुम देखना मत क्योंकि मैं बुलेट निकालने वाली हूँ और इसमें थोड़ा बहुत खून निकल सकता है। और फिर वो गेट बंद करके रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ लू रोते हुए अपने मन में बोलती है ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, अगर लिन फेंग को कुछ भी हुआ तो ये मेरा जिम्मेदारी होगा। दूसरी तरफ लियू लिन के ऊपर पानी फेंक देती है। लिन अपनी आंखें खोलकर बोलता है मैं कहाँ पर हूँ। लियू बोलती है ये सबर्बन रेस्टिंग प्लेस है, तुम्हारा सीक्रेट बुक मुझे दे दो अब। लिन बोलता है नामुमकिन, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, अगर दिया तो तुम मुझे मार डालोगी। लियू बोलती है तुम उठ नहीं पाओगे, मैं तुम्हारे एक्यूपंक्चर पॉइंट में मार दी हूँ तो तुम वो हिल नहीं पाओगे अब, वो मुझे दे दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी जब तक मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊँ, अगर नहीं तो तुम डरते नहीं हो मरने से, फिर कैसा रहेगा वो लड़की
जो बाहर में खड़ी है, मैं ये गारंटी नहीं ले सकती कि वो सेफ रहेगी कि नहीं। मेरे पास बहुत ही टॉर्चर करने का मेथड है जितना वो लड़की सह सकती है। मैं आशा करती हूँ कि तुम उससे पहले बता दोगे। सिबलिन अपना उंगली का इस्तेमाल कर पा रहा था और वो बोलता है, ठीक है मैं दे दूंगा तुम्हें। ल्यू बोलती है, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो और तुम मेरी बहुत ही मदद करोगे। लिन बोलता है, मेरा सीक्रेट बुक का नाम है टेंडन मास्टरी। ये सुनकर ल्यू पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, टेंडन मास्टरी, वो लेजेंडरी टेंडन मास्टरी। फिर वो अपने मन में बोलती है, ओ माई गॉड, मैं बहुत ही लक्की हूँ। लिन बोलता है, वो मेरे दाएं पॉकेट में है, मैं हिल नहीं सकता हूँ, तो तुम ही निकाल लो। फिर ल्यू जल्दी से लिन के पास जाकर उसके पॉकेट में देखने लग जाती है। इसी दौरान ल्यू का बूस लिन के मुंह के पास आ जाता है। फिर लिन ल्यू के निप्पल में घंटी बजा देता है, जिससे ल्यू बहुत ही गुस्से में आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। लेकिन लिन पेट से हट जाता है। तब तक ल्यू शॉक्ड होकर बोलती है, तुम कैसे हिल सकते हो। लिन स्पाइडरमैन का पोज बनाते हुए बोलता है, मैं तो पहले ही बोला था ना, मेरे पास टेंडन मास्टरी है, तो मैं अपने चोट को हील कर लिया अपने सांसों की मदद से। मैं टेंडन मास्टरी को बहुत समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरा एक्यूपंचर का पॉइंट सबसे अलग है, मेरे ऊपर एक्यूपंचर काम नहीं करेगा। उसी समय सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, ल्यू कुंडे का निप्पल पर घंटी बजाओ, ये करने से तुम्हें 20 पॉइंट मिलेगा और ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है अब। ल्यू बोलती है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। लिन बोलता है, हालांकि मैं तुम्हें साबित कर दिया हूँ कि मेरे पास टेंटन मास्टरी है। ल्यू चिल्लाते हुए बोलती है, अंदर क्या हो रहा है, इतना आवाज़ क्यों हो रहा है। लिन फेंग कैसा है। ल्यू बोलती है, इतना भी कुछ बड़ा बात नहीं है। लिन उठ गया है और जब मैं बुलेट निकाल रही थी तो वो चिल्ला उठा। ल्यू बोलती है, सही में क्या लिन मेरा जवाब दे पाएगा। लिन बोलता है, अच्छा मैं उठ गया हूँ और कुछ हुआ नहीं है, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ल्यू बोलती है, ठीक है। ल्यू लिन को बोलती है, टेंडन मास्टरी मुझे दे दो, अपना बात रखो, मैं तुम्हें बचाई हूँ। लिन बोलता है, तुम मुझे बचाई हो, अभी तुम मुझे परेशान कर रही थे ना।